हमारे गांव नामिक के प्राइमरी स्कूल में टीचर की कमी होने के कारण मैंने बच्चों को फ्री में पढ़ाने का निर्णय ले रखा है। बहुत सारे लोग हमेशा सुख दुख के लिए आ ही रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के राइडिंग सुधर रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्प क्या है? फूल क्या है? कितने जिले हैं उत्तराखंड में? 13। और मिठाई क्या है उत्तराखंड का? बाल मिठाई। बट बहुत अच्छे बच्चे हैं सच में, लाइन में लगे पड़े हैं, खुश भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। कितने बच्चे बाहर हो गए? दो बच्चे बचे हैं। कौन जीतेगा? तो थोड़ा बहुत होमवर्क दे देते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम, स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के नामी ग्लेशियर के इन खूबसूरत वादियों से। सुबह सुबह मौसम देखिए, प्यारी प्यारी धूप आ गई है, पहाड़ों में थोड़े थोड़े बादल छा रखे हैं, लेकिन मौसम आज बढ़िया है, नीला हो रखा है। अभी यहाँ पर हमारे सबसे छोटे बुबू जी को गुजरे हुए आज 7 दिन हो गए हैं। दादी लोग यहाँ पर ही हैं और बहुत सारे लोग हमेशा सुख दुख के लिए आ ही रहे हैं। अभी 8 बज चुके हैं और आजकल मैं एक चीज कर रहा हूँ, शायद आपको मैं बता दूँ, एक हफ्ते से ये चीज चल रही थी। अपना गांव नामिक उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का अंतिम गांव है। गांव से 800 मीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच में यहां के 3 स्कूल मौजूद हैं, जहां पर से रामगंगा नदी के खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 10 तक की यहां पर पढ़ाई की जाती है और हमारे गांव नामिक के ही कुछ बच्चे हैं जो यहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ बच्चे इसलिए कहा क्योंकि अधिकांश बच्चे शहरों की ओर चले गए हैं शिक्षा की कमी से। तो प्राइमरी स्कूल में 2 साल से एक ही टीचर है और वो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पर अभी भी बच्चों को पढ़ाने में लगे पड़े हैं। ऑफिस का काम भी उन्हें ही करना पड़ता है। एक बच्चे को संभालने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती है ना, वो आप समझ सकते हैं। तो फिर इतने सारे बच्चे हैं तो कैसे होगा, तभी मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाऊँ। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अच्छी बात हुई, ठीक हुआ? अच्छा बात हुई। कोई कोई सोचेंगे ना यार ऐसे जा रहे हैं पढ़ाने, ठीक हुआ या गलत? ठीक हुआ। आप क्या सोचते, जैसे आपके ना छोटे छोटे बच्चे होते, अगर टीचर की कमी होती तो अगर कोई पढ़ाने जाता तो आपको कैसा लगता? अच्छी लगती सच में ना? अच्छी नहीं लगती है अभी, मशाब नहीं है यहाँ तो। अब अकेले क्या करेंगे वो बेचारे ना, ऑफिस का काम भी वही करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हेल्प करने के लिए जाऊं, इन बार वहां पर पढ़ाऊं। एक हफ्ते से मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं बच्चों को, काफी अच्छा पढ़ रहे हैं, काफी अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि मैं उनको चॉकलेट भी दे रहा हूं बार बार कि जो अच्छा पढ़ेगा करके। हमारे गाँव की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब गाँव से शहरों की ओर जा चुके हैं, अपने बच्चों को लेके भी, फैमिली भी जा चुकी है। मेन होता है भाई शिक्षा, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं आपको पता ही होगा। तो अच्छी शिक्षा के लिए शहर गए हैं पढ़ने वाले, तो लेकिन कहीं भी पढ़ सकता है। जो बेचारे यहाँ गांव में पढ़ते हैं, अब देखो हर कोई शहर में तो पढ़ नहीं सकता ना, हर किसी की अलग अलग कंडीशन होती है घर की। तो बेचारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत अपने तरफ से ज्ञान दिया जाए जितना हमसे हो सके। आप लोग क्या सोचते हो कि मैं सही कर रहा हूँ गलत, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि गलत कर रहा हूँ तो बताना, सही कर रहा हूँ तो बताना। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अधिकतर लोग हैं बच्चे हैं हमारे गाँव में रहें, हमारे गाँव से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और हमारे गाँव में अच्छी शिक्षा है भी। भाभी जी से मुलाकात हो गई है, सही लग रहा है आपको? सच बताना, बड़ा लग रहा है? कर रहे हैं बच्चे होमवर्क? मतलब पढ़ाना ठीक हुआ ना? भाभी जी के बच्चे को भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो बोलने की आजकल तो होमवर्क करने में लगा पड़ा है वो, पहले तो नहीं करता था। मुख्यमंत्री कौन है, हमारा राज्य पुष्प क्या है, पशु क्या है, और पक्षी क्या है, मिठाई क्या है, तो ये चीज़ पढ़ा रहा था मैं। आज आपको उत्तर ही बताऊँगा, मतलब वो बताएंगे। ऐसा कुछ इरादा नहीं है कि भाई आप मुझे पैसे दो, ऐसा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, अपनी स्वेच्छा से जा रहा हूँ मैं। टीचर की कमी थी तो टीचरों ने मिलकर एक दो बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला भी था, और वो पढ़ा भी रहे थे बच्चों को ना, और उन अपने में से थोड़े थोड़े पैसे उनको दे भी रहे थे। छोटे बच्चे खाना खाने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि अभी इंटरवल का समय हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, और अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है, तो भोजन प्राइमरी स्कूल का भी स्कूल में ही बनता है। ये देखिए, ये है भोजन माता कक्ष भोजनालय। लाइन से धो बर्तन शाबाश, लाइन से, लाइन से आराम से, लाइन लगाओ लाइन से बच्चों, लाइन लाइन। हाँ, तो इसमें 5 के बच्चे हैं, 4 के बच्चे हैं, 3 के बच्चे हैं, 2 के बच्चे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, मतलब सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे के राइडिंग सुधर रहे हैं, पढ़ाई हड़ाई आ रहा है। प्रियांशु, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड का पुष्प क्या है, फूल क्या है? ब्रह्मकमल। कितने जिले हैं उत्तराखंड में? 13। और मिठाई क्या है उत्तराखंड का? बाल मिठाई। और पक्षी क्या है? मोनाल। अच्छा, देखो भाई लगा लो। और व्हाट इज योर नेम? ये देखो सब सीख रहे हैं भाई धीरे धीरे बच्चे। यहाँ पर तो आंगनबाड़ी है, मम्मी जी लोग पढ़ा रहे हैं अभी भी अंदर ही बच्चों को, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं मैडम जी लोग। और यहाँ पर भी बड़े बड़े खाना बनता है प्राइमरी में, जो हमारी भोजन माता जी लोग हैं, तो बड़ा खाना बनता है यहाँ पे। हरे वाला दिख रहा होगा आपको, ये बहुत पुराना वाला स्कूल है, हम लोग यहाँ पर पढ़ाई भी करते थे,
और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पढ़ के अब तो सरकारी जॉब भी लग गया उनका। और हमारे जेज बहुत बड़ा खाने को बना, जेज आके बना रहा दाल भात। आज दाल भात ना, मतलब हर दिन अलग अलग, हर दिन अलग अलग बनाया जाता है। हर हफ्ते अलग अलग प्रकार का भोजन यहाँ पर बनाया जाता है। आपके आंगनबाड़ी हो, प्राथमिक विद्यालय हो या जूनियर हाई स्कूल हो ना, तो हर दिन का अलग अलग खाना होता है। बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मतलब मैं बहुत, मतलब बच्चों को अगर हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ना उनकी तरफ, तो बच्चे जल्दी जल्दी कैप्चर कर लें। अब चलो एक दो बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत नहीं आ पाता है, बट बहुत अच्छे बच्चे हैं सच में। पूरा गांव का जो स्कूल है, तीनों स्कूल बहुत अच्छे हैं भाई, और यहाँ पर भी अच्छे हैं, भोजन माता भी अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश बनता है कि उनको थोड़ा बहुत शिक्षा दें। उत्तराखंड की थोड़ी बहुत जीके उनको आ भी गई है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आया था कि कम से कम 3-4 घंटे यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकूं। इंटरवल का टाइम हो गया और बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं खाना। 1 से लेकर 5 तक के बच्चे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर बड़े करके खाना हमेशा दिया जाता है। हर दिन अलग अलग भोजन होता है। थोड़े बच्चों ने खाना खा लिया है और बर्तन खुद ही धोते हैं। ये देखो अभी जूठे बर्तन लेके लाइन में लगे पड़े हैं, और इससे ये फायदा कि ये बच्चे यहाँ पर भीगेंगे भी नहीं, वरना छोटे छोटे बच्चे हैं तो इतनी भीड़ होगी कि भीग जाएंगे। तो एक एक लाइन करके सारे बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए, और बर्तन खुद ही धोएंगे क्योंकि बचपन से सीखना जरूरी है ये चीज़ें ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारे बर्तन जो है स्कूल के ही होते हैं। कैसा बना था खाना? बढ़िया बढ़िया बना था। हाँ, कुर्सी दौड़ पहले लाइन लगो। तो सारे बच्चों ने खाना खा लिया है, अब थोड़ा बहुत इंटरवल में इनके साथ टाइम स्पेंड करना है भाई। तो अभी हम लोग खेल रहे इंटरवल में यहाँ पर कुर्सी दौड़, एक राउंड तो हम लोगों ने खेल लिया है। बैठो बैठो बैठो, तो इसमें कौन कौन बाहर हुआ? नक्कू बाहर होगी। बैठो बैठो, ओ गरिमा बाहर। अभी 5 बच्चे बच चुके हैं और इतने बच्चे बाहर हो गए। कौन जीतेगा? रुको 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 रुको, कौन जीतेगा और कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? अच्छा, अलग अलग टीम है। भागो भागो, चलो बैठो। तो इतने बच्चे बाहर हो गए, 2 बच्चे बचे हैं, कौन जीतेगा? कोई रोहित वाला है, कोई आर्यन वाला है, तो देखते हैं। चलो स्टार्ट, तो दूर से भागना है, तो दूर दूर भागो, भाग रहो और बाहर भागो, बाहर से, बाहर से और बाहर, और बाहर। आर्यन अंदर नहीं आना, बाहर आओ, बाहर और बाहर। आर्यन बाहर जा, आर्यन बाहर जाओ, रोहित बाहर जाओ, चलो बैठो। वो जीत गया, वो तो रोहित जीत गया भाई, कितने खुश हो रहे हो देखो, सबने गिरा दिया रोहित को। तो अभी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लिया है और होमवर्क भी मैंने अपने तरफ से दे लिया है। इस प्रकार से देना पड़ता है। आवाज़ क्यों कर रहे हो? होमवर्क नहीं करना है, अभी घर जाके करना है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत होमवर्क दे देते हैं। और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 से लेके 3 तक बच्चे हैं यहाँ पर, और गाँव में तो थोड़े बच्चे होते हैं ना, सारे बच्चे चले गए हैं शहर की ओर। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश रह रही कि इनको अच्छा पढ़ाएं। तो फाइनली सारे बच्चों की छुट्टी हो गई है और सारे बच्चे जा रहे हैं अभी घर की तरफ अपने अपने। तो काफी अच्छा लगा इनके साथ टाइम स्पेंड करने में।
प्राइमरी स्कूल से गांव पहुंचते बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और आज चटकती हुई धूप लगी है सुबह सुबह, तो सारे लोग अभी गेहूं सुखा रहे हैं मोटे में। अच्छा घराट पीसोगे? माछिका रकत माछिक रकत ये बाथरूम कल बना दिया मेरे चला। हाँ तो भाई यहाँ पर बाथरूम नहीं था और हमारे ताई जी को दिक्कत हो रही थी इधर उधर जाने में, बाथरूम जाने में रात के टाइम में पुतला बना दिया तो बना दिया। अब ठीक हो गया है? अटाना रहा था इधर। अच्छा आप लोग लगा रहा? अच्छा बुला रहे कोई जाल चौक के डाला बाथरूम फोड़ डाली पतन पानी आज बोलो मेहनत। तो कल मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देव उत्तराखंड, बाय बाय आप सभी को।